उत्तर प्रदेश ने बीजेपी ने एक बार फिर से पूर्वांचल से मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी कौशाम्बी और आजमगढ़ में दलित सम्मेलन के जरिए आम चुनाव से पहले सियासी दांव खेलेगी। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर से जनवरी में चुनावी शंखनाद किया था और पिछड़ा वोट बैंक को साधा था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यूपी में लोकसभा चुनाव आते आते दलितों को अपने पाले में लाने की सपा और बीजेपी में कवायद तेज होती दिखाई देगी। यूपी में करीब 21% दलित वोट है। दलित लंबे समय तक मायावती का मजबूत वोट बैंक रहा है और सोशल इंजीनियरिंग के चलते इसी वोट बैंक की बुनियाद पर मायावती 4 बार सत्ता की दहलीज पर पहुंची है। लेकिन चुनाव दर चुनाव बसपा के कमजोर प्रदर्शन के साथ ही मायावती जनता के बीच चमक खोती जा रही है। इस कमजोर होते हाथी का हिस्सा अपने पाले में बीजेपी और सपा जुट गई है। बीजेपी इस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े पैमाने पर मना रही है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय साप्ताह दलितों के दिल में जगह बनाने की कोशिश है। पीएम मोदी का दलितों के पैर धोना भी एक बड़ा संदेश है। वही रायबरेली में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के दलित विरोधी छवि पर सियासी प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश जाएंगे और मऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी उनके साथ होंगे। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि 2014 से लगातार 4 चुनाव में हार की टीस झेल रही समाजवादी पार्टी को शायद ये अंदाजा हो गया है कि सिर्फ मुद्दों और चेहरे के दम पर भाजपा से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अखिलेश की कोशिशें पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक पाले में ला करके मुस्लिम यादव दलित समीकरण को साधने की है। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी की बात करें तो जाटव करीब 10% है। खटिक वाल्मीकि की संख्या करीब 4.5% है। पासी 3.5%, कोरी 1% है और धोबी 1% और अन्य 1% है। जाटव समुदाय लंबे समय तक मायावती और बसपा का कोर वोट बैंक रहा है। कौशाम्बी की बात करें तो जिले की आबादी में 35% आबादी दलित है जबकि 14% मुस्लिम है। ऐसे में दलितों को अपने पाले में लाकर के बीजेपी 2024 में यहां पिछले चुनाव की भरपाई कर सकती है। वहीं आजमगढ़ की भी बात करें तो वहीं 22% दलितों की है और करीब इतनी ही तादाद में मुसलमान है। लेकिन इन जिलों में मजबूत मुस्लिम यादव दलित समीकरण के कारण बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। रायबरेली 30.26%, SP और 0.0% ST समुदाय की संख्या है। मुस्लिम भी 12% है।